ये ग्रेवी के स्टेन है, ये जो है ना ये हल्दी है, बट इसके साइड में जो भी लगा है ना पूरा ऑयल है। सेम वैसे ही है ये, जो साइड में जो रेड कलर पिंक कलर जैसा दिख रहा है ना, ये पूरा ऑयल है और मिनी बीच में हल्दी है। इसके ऊपर प्रिंट भी है, ये भी है, तो थोड़ा सा रिस्की है इस केमिकल से क्लीन करना। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, हम आपको डिटेल प्रोसेस दिखाएंगे और ये केमिकल आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। गर्म पानी 52 डिग्री टेम्परेचर का है, एक शर्ट डिप हो जाएगा इतना हमने गर्म पानी लिया है। और मैं इसमें डालूंगा 60 ml, ये है 30 ml का, ये हो गया आपका। इसमें क्लोरीन ब्लीच होता है रिन आला में, और भी कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। ये हो गया आपका 60 ml, अब ये शेड जाएगा इसमें। अभी ये पानी पूरा ठंडा होने देता हूँ, 15-20 मिनट में हो जाएगा, और शॉप में इसे ले जाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट मिला है हमें क्या नहीं। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो ये देख सकते हैं आप ये शर्ट, और जो मैंने रिन आला यूज किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कपड़ों पे ही चलेगा, दूसरे कपड़े के कलर खराब हो जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा शर्ट, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कपड़ों पे यूज करना है। मैंने यूज किया तो आप लोगों ने भी यूज नहीं करना है, क्योंकि 100% डैमेज ये हो सकता है। ये सिर्फ हल्दी नहीं थी, इसके साथ में ऑयल स्टेन भी थे काफी बड़े बड़े, और पूरा सर्कल था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 100% स्टेन चले गए हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह की वीडियोस अगर आपको और भी देखनी है ना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, जैसे हमारी वीडियोस को आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, उसी तरह की वीडियोस हम ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस ये वीडियो यही तक थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। 100% स्टे क्लीन किए हैं, और सिर्फ रिन आला हमने यूज किया है दोस्तों। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ, या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।